पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने एक बार फिर अपने बागी तेवर दिखा दिए। उन्होंने रूस के रक्षा मंत्रालय के साथ किसी भी तरह का मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से इनकार कर दिया। दो दिन पहले रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था कि यूक्रेन में रूस की तरफ से जितने भी लड़ाके अपनी मर्जी से लड़ रहे हैं वो सभी इस महीने के आखिर तक उसके साथ मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। मगर रूस के रक्षा मंत्रालय के इस फरमान पर येवगेनी प्रिगोजिन भड़क गए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनका वैगनर ग्रुप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा। यूक्रेन में पुतिन को जिताने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने अपनी जान की बाजी लगाई हुई है और उनके चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से बिल्कुल नहीं बनती। वो बार बार सरेआम आरोप लगा रहे हैं कि शोइगु यूक्रेन की जंग ठीक से नहीं लड़ पा रहे और इस बार भी उन्होंने कहा कि अगर उनके लड़ाकों को सर्गेई शोइगु को रिपोर्ट करना पड़ा तो वो ठीक से नहीं लड़ पाएंगे। प्रिगोजिन पुतिन के खासम खास हैं और कहा जाता है कि वो खुद रूस की सरकार में अपने लिए बड़ा पद चाहते हैं। यही वजह है कि रूस के रक्षा मंत्रालय के आदेश को वैगनर ग्रुप पर नकेल कसने के पैंतरे के तौर पर देखा जा रहा है। इधर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोक दिया, जिस पर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पार्टियों के कई कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। उनके बीच मारपीट शुरू हो गई जिसमें कई लोगों को चोटें आईं। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस मारपीट के बाद बीजेपी सांसद सौमित्र खान की अगुवाई में पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर दी। उनका आरोप है कि टीएमसी के समर्थकों ने उनके उम्मीदवारों को नामांकन करने से रोकने की कोशिश की। इस प्रदर्शन और हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में नामांकन केंद्र पर उम्मीदवारों को जाने दिया गया। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को एक चरण में पंचायत चुनाव होने हैं। वहीं बांकुड़ा की तरह ही पश्चिम बंगाल के बर्धमान में भी पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हंगामा हो गया, जहां टीएमसी और सीपीएम के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए और उनके साथ कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आईं जो बीच बचाव करने पहुंचे। हंगामे की शुरुआत पंचायत चुनाव के लिए पर्चा भरने के मुद्दे पर हुई, जिस पर टीएमसी और सीपीएम के कई कार्यकर्ताओं के बीच न सिर्फ लाठियां चलीं बल्कि जमकर पथराव भी हुआ। दोनों दलों के कई लोग आमने सामने खड़े हो गए, कोई वहां से पीछे हटने को तैयार नहीं था। थोड़ी देर बाद कई पुलिस वाले उन्हें समझाने पहुंचे लेकिन पत्थरबाजी कर रहे लोगों ने उन्हें भी निशाना बनाया। उनके अलावा टीएमसी और सीपीएम के कई कार्यकर्ता भी लाठियों और पत्थरों के हमले में घायल हो गए। बाद में पुलिस ने किसी तरह इस हंगामे को शांत कराया और वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। इधर विपक्षी एकजुटता को उस वक्त एक बड़ा धक्का लगा जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के मतभेद सामने आ गए। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के विपक्षी पार्टी होने पर ही सवाल खड़े कर दिए और आम आदमी पार्टी से बीजेपी के खिलाफ होने का सबूत मांग लिया। जो सिर्फ दिखने और कहने भर के विपक्ष हैं, उन्हें भी तय करना पड़ेगा कि हाँ वो सचमुच के विपक्ष हैं भाजपा के। इमरान प्रताप गढ़ी ने ये बात तब कही जब कांग्रेस से आम आदमी पार्टी के रिश्तों पर सवाल पूछा गया। सूत्रों के मुताबिक पिछले 18 दिन से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन दोनों ही नेताओं ने उन्हें अब तक समय नहीं दिया। केंद्र सरकार के पोस्टिंग और ट्रांसफर के अधिकार से जुड़े बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहती है, लेकिन अब तक उसे सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने मिलने तक का समय नहीं दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया से जंग लड़ने के लिए जापान ने बड़ी तैयारी कर ली। जापान के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर कोरिया की मिसाइलों को मार गिराने के आदेश को आगे बढ़ा दिया, जिसका मतलब यह कि जापान के लिए खतरा बनने वाली उत्तर कोरिया की किसी भी मिसाइल को जापान की सेना कभी भी मार गिराएगी। जापान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि पिछले कुछ महीनों में उत्तर कोरिया की कई मिसाइलों ने जापान के ऊपर से उड़ान भरी, जिनमें कुछ मिसाइलें तो जापान की समुद्री सीमा में भी गिनी, जिससे दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। जिसके बाद 29 मई को जापान के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर कोरिया की मिसाइलों को मार गिराने का आदेश जारी कर दिया, जो 11 जून तक लागू था, लेकिन अब वहां के रक्षा मंत्रालय ने इस फैसले को अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया है। यानी उत्तर कोरिया के मिसाइल लॉन्च से भड़का जापान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच पुतिन को अपनी ताकत दिखाने के लिए नेटो ने जर्मनी में बड़ा हवाई अभ्यास शुरू कर दिया। ये नेटो की अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल बताई गई, जिसके लिए जर्मनी में 250 से ज्यादा विमान और करीब 10,000 से ज्यादा सैनिक जुटे नजर आए। जर्मनी ने ऐलान किया कि ये नेटो का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा और इसके जरिए माना जा रहा है कि नेटो पुतिन को सीधा संदेश देने की कोशिश में है, क्योंकि यूक्रेन को अब तक सबसे ज्यादा नुकसान रूस के हवाई हमलों की वजह से ही हुआ है। यही वजह है कि नेटो ने जर्मनी में अपने ताकतवर विमानों के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। जर्मनी में जारी ये हवाई अभ्यास 23 जून तक चलेगा, जिसमें नेटो के सदस्य देशों की सेनाएं हिस्सा लेंगी। उधर उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने दावा किया कि पहली बार यूक्रेन जंग में किम जोंग उन ने खुलकर पुतिन को समर्थन दे दिया। इससे पहले लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि उत्तर कोरिया इस जंग में रूस के साथ खड़ा है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब उत्तर कोरिया ने खुद इस पर मोहर लगाई हो। न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने रूस के यूक्रेन पर हमले का बचाव किया। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि उन्होंने पुतिन के साथ हर हाल में खड़े रहने की कसम भी खा ली। बताया गया कि अब उत्तर कोरिया रूस को अलग अलग तरह की मदद पहुंचाएगा, यानी अगर यूक्रेन के साथ पश्चिमी देश खड़े हैं तो अब रूस भी अकेला नहीं रहा। बीते कुछ महीनों में उत्तर कोरिया के रिश्ते अमेरिका समेत कई देशों से खराब हुए हैं। रूस और अमेरिका में भी तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। दावा किया गया कि इसीलिए किम जोंग उन ने भी अब रूस के साथ आने का मन बना लिया।
इधर लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मारने के आरोपी विजय यादव ने दावा किया कि लखनऊ जेल में जीवा की एक गलती उसकी हत्या की वजह बन गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या की सुपारी देने वाले अतीक अहमद के दोस्त असलम के भाई आतिफ से संजीव जीवा की जेल में झड़प हुई थी। और संजीव जीवा को मौत के घाट उतारने वाले शूटर विजय यादव के मुताबिक इस लड़ाई के दौरान संजीव जीवा ने लखनऊ जेल में बंद आतिफ की दाढ़ी नोच ली थी, जिसे बौखलाए आतिफ ने अपने भाई असलम को जीवा को सबक सिखाने का ऑर्डर दिया। उसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था, उसका भाई मुझे नेपाल में मिला। पुलिस सूत्र बताते हैं कि उसके इसी आदेश के बाद नेपाल में बैठे असलम ने शूटर विजय को संजीव जीवा की मौत की सुपारी दी और इसके बदले उसे 20 लाख रुपए देने का वादा भी किया, जिसके बाद उसने लखनऊ की कोर्ट में गोलियां बरसाकर संजीव जीवा को मौत के घाट उतार दिया। उधर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कुछ लोगों के घरों पर मकान बिकाऊ है का स्लोगन लिख दिया गया, जिसकी जांच में पुलिस को पता चला कि गांव के ही एक हिस्ट्री शीटर ने लोगों के घरों पर यह स्लोगन लिखवाए, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं, जिनमें फरीदपुर गांव के करीब 30 घरों पर मकान बिकाऊ है का स्लोगन लिखा नजर आया। तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस के मुताबिक अरुण कुमार उर्फ रावण नाम के एक हिस्ट्री शीटर ने अपने लोगों से घरों पर स्लोगन लिखवाए थे। इसका नाम अरुण कुमार उर्फ रावण है, ये थाने का रजिस्टर्ड HS है। पुलिस ने सभी घरों पर लिखे स्लोगनों को मिटवा दिया और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस बीच बिहार के गया जिले में बदमाशों ने एक लड़की को चलते ऑटो से बाहर फेंक दिया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि बदमाशों ने उस लड़की को जबरन ऑटो में बैठाया था और चिल्लाने पर उसे ऑटो से बाहर धकेल दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिले। बहुत खराब स्थिति में आई थी रोड एक्सीडेंट करके जी, और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद वो पेशेंट डेथ कर गई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने ऑटो ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया, लेकिन ऑटो में सवार दोनों बदमाश फरार हो गए। उधर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि करीबियाई देश क्यूबा और चीन के बीच हुई खुफिया डील ने बाइडेन सरकार का सिरदर्द बढ़ा दिया। हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि अमेरिका की जासूसी के लिए चीन क्यूबा में नया खुफिया अड्डा बनाएगा, ताकि वो मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियाई सागर में अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों पर नजर रख सके। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी का हवाला देकर दावा किया कि चीन कुछ वक्त से क्यूबा से अमेरिका की जासूसी करने में जुटा है। यही नहीं, चीन ने अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा से करीब 170 किलोमीटर दूर क्यूबा में अपने खुफिया अड्डे को जासूसी करने वाले आधुनिक उपकरणों से लैस किया। हालांकि ये खबर सामने आने के बाद चीन और क्यूबा दोनों ने इससे इनकार कर दिया। कुछ महीने पहले अमेरिका के आसमान में जासूसी गुब्बारे दिखने के बाद से ही उसके और चीन के बीच तनाव है। इस बीच चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि अमेरिका समेत 4 देशों की नौसेनाओं के अभ्यास पर निगरानी के लिए चीन ने एक खास विमान भेज दिया। बताया गया कि चीन ने पिछले हफ्ते ताइवान के पूर्व में प्रशांत महासागर में एक टोही विमान तैनात किया, जिसने कई अहम जानकारियां चीन की सेना को दी। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक उस टोही विमान ने अमेरिका, जापान, फ्रांस और कनाडा की नौसेनाओं के अभ्यास पर नजर रखी। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि अभ्यास पर नजर रखने के साथ ही उस टोही विमान ने कुछ खुफिया जानकारियां भी इकट्ठा की। पिछले हफ्ते अमेरिका की नौसेना ने 3 देशों के साथ मिलकर फिलीपींस सागर में अभ्यास शुरू किया, ताकि समंदर में नौसेना को और मजबूत किया जा सके। लेकिन ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के टोही विमान ने चारों देशों की हर हरकत पर नजर रखी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाकर चीन के पाले में खड़ा हो गया। उसने संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी यानी IAEA की बैठक में अमेरिका के खिलाफ लाए गए चीन के उस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी देंगे। और इसका विरोध चीन ने संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर एजेंसी यानी IAEA की बैठक में किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को कम करने के बजाय उनको बढ़ावा दे रहे हैं। चीन ने अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के इस कदम को IAEA के नियमों का उल्लंघन बताया। वहीं इस प्रस्ताव का रूस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ब्राजील समेत 20 देशों ने समर्थन किया, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई डील के खिलाफ कदम उठाने की मांग IAEA से की गई। असल में अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के बीच साल 2021 में परमाणु पनडुब्बी का संयुक्त बेड़ा बनाने की डील हुई थी, जिसने चीन की परेशानी बढ़ा दी।